हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप साहब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी ये शाम के 6:30 या 7 बजे का टाइम है। मैंने सब्जी बना दिया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है दोबारा से। उसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, केवल यही लगाएंगे। बैलून लगाने के लिए मैंने मना कर दिया, थोड़ा बहुत बैलून केवल नीचे डाल देंगे आंगन में, और लगाएंगे नहीं कहीं भी, क्या फिर बच्चों को दे देंगे। ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, उतना टाइम भी नहीं है कि बैलून फुला के यहाँ लगाओ, केवल यही लगा देंगे। थोड़ा बहुत बैलून है, जो बच्चे आएंगे तब नीचे लगाएंगे। अभी तो पीयूष लकी से जितना हो पाएगा, रुचि भी है, तीनों यही लगे हुए हैं। आज बच्चे भी आने में लेट हो रहे हैं, अब नहीं तो जल्दी आ जाते हैं। 7 बजे का मैंने बोला है, क्या कि तैयारी वही बच्चे सब मिल के ही करते हैं, मैं कभी नहीं करती हूँ। इसको लगाने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्या कि उल्टा लग रहा है। अभी देखने में सही लग रहा है, फिर सीधा करके देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2-3 बार निकाला, 2-3 बार फिर वापस किया, इसको भी एक बार में नहीं हुआ है। लक्की शाम का पूजा कर रहा है, मैं अपना किचन में लगी हुई हूँ। सब्जी तो मेरा बन गया, तैयारी मैंने करके छोड़ दिया है। तभी भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर खाना। अब भाभी अभी आई है, तुरंत आती किचन में लग गई है कि चाय बाद में पियेंगे। एक साइड मैंने चाय चढ़ा, एक साइड सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, क्योंकि ये वाला सब्जी भाभी बनाने वाली थी। दोपहर में तय हो गया था, एक सब्ज़ी मैं बना लूँगी, एक सब्ज़ी भाभी बना लेगी, तो वही भाभी सब्ज़ी का तैयारी करेगी। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले मसाला को फ्राई करेगी, उसके बाद पीसेगी, तो उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और में तो ज़्यादा नहीं लगेगा। तैयारी हालांकि मैंने ज़्यादातर मेरे ख्याल से कर दिया है। अभी मटर को भी पानी में भिगो के रख दिया है, हालांकि फ्रिज से निकाल के तुरंत मैंने पानी में डाल दिया है, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद इसको बॉईल करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब पनीर भी मैंने फ्रिज से निकाल दिया, क्योंकि बहुत देर पहले नहीं निकाला था, अभी तुरंत फ्रिज से निकाल के रख दिया। उसके बाद अभी सब्ज़ी छौंक लगा रही है, इसमें खड़ा मसाला डालने के बाद प्याज है जो मोटा मोटा काट के रख दिया था, उसी को डाल दिया है। मैंने 3 प्याज बड़ा बड़ा लिया था, भाभी बोल रही थी और लगेगा, इसलिए 2 प्याज बाद में अभी मैं काट रही हूँ। एक साइड भाभी छौंक लगा रही है, एक साइड मैं प्याज काट के दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं था कि कितना लगेगा इसमें। तो अभी 2 प्याज और काट दिया है, लहसुन प्याज कम लिया है उसको ज़्यादा, सॉरी लहसुन और हरी मिर्ची को कम लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा मसाला कम डालेंगे, वही ठीक रहेगा। और लाल वाला सूखा मिर्ची जो आता है वो भी मैंने डाल दिया इसमें, तो सॉरी भाभी ने डाल दिया, मैंने नहीं डाला है। एक साइड चाय बन रहा है, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, भाभी सब्जी बना रही है, तो दूध गर्म हो गया, उसके बाद चाय पत्ती चीनी डाल देंगे, क्योंकि ठंडा चाय पीते हैं तो चाय बना के छोड़ देंगे, तो बाद में अपना चाय भी पी लेंगे, ज़्यादा देर बैठने का टाइम नहीं है। इसमें सूखा धनिया जो आता है साबुत, वो वाला डाल दिया है, पिसा हुआ वो डालेंगे बाद में, अभी सूखा साबुत धनिया जो आता है वो डाल दिया है। अब मटर को पानी से निकाल लेंगे, मसाले को भूनने में टाइम लगेगा। काजू को भी थोड़ी देर पहले भिगो के छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भिगोना था तो पहले भाभी बोलना भूल गई थी, इसलिए मैंने भिगोया नहीं है, तो अभी तुरंत भिगो देगी। दूध डालेगी इसमें और थोड़ा और काजू लगेगा, क्योंकि इसमें काजू ज़्यादा डलता है, कम से कम 1 कटोरी काजू लगेगा, तो इसमें था वो मैंने डाल दिया, अब दूसरा वाला जो रखा है उसमें से डाल दूँगी। और 3 टमाटर है जो बड़ा बड़ा ले लिया, इसको भी मोटा मोटा काट के इसमें डाल देंगे, तो मसाला के साथ ये भी हो जाएगा। प्याज डाल देंगे 10 मिनट बाद ही, हल्का प्याज हो गया उसके बाद टमाटर डालेंगे, उससे पहले सूखा मसाला डालना है। पूरा मसाला भी नहीं डालेंगे, आधा भी डालेंगे आधा बाद में डालेंगे। तो यहाँ हल्दी मिर्ची मैंने डाल दिया, उसके बाद टमाटर भी डाल दिया है, धनिया पहले भी डाला हुआ था जो मैंने आपको दिखाया ही है, नमक डालूंगी भी, नमक लास्ट में डाल रही हूँ। भाभी बोली थी नमक था थोड़ा सा अंदाज, ज़्यादा सब्जी है तो नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे को पूछ के काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्जी रोज़ रोज़ नहीं बनता, इसलिए धनिया पाउडर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि इसी में गर्म मसाला पिसा हुआ है, इसलिए धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मसाला को और भूनेंगे, क्योंकि भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से भुना जाएगा तो फिर सब्जी बनाएंगे उस समय नहीं भूनना पड़ेगा। अब फिर इसको ठंडा करेंगे। चाय भी लगभग मेरा बन चुका है, अभी 1 टमाटर और डालेंगे, क्योंकि टमाटर थोड़ा देखने में कम लग रहा था, कल 2-3 ही डला था, तो 1 टमाटर और डाल देंगे।
चाय हमने पी लिया है, उसके बाद फिर से हम किचन में आ गए हैं। पनीर को काट के गर्म पानी में डाल दिया है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसमें छान के डालेंगे। और दोबारा से सब्ज़ी का छौंक लग चुका है जो आपने देख ही लिया, हल्का सा खड़ा मसाला और डाला है। उसके बाद सूखा मसाला थोड़ा थोड़ा और डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। हल्दी हल्का सा डाल दिया है, अभी चीनी डाल रही है भाभी, क्योंकि ये शाही पनीर है तो इसमें थोड़ा सा मीठा मीठा अच्छा लगता है। हालांकि मेरे यहाँ घर में बहुत कम बनता है, बच्चों को पसंद था इसलिए भाभी बना रही है, नहीं तो मेरे यहाँ शाही पनीर बहुत कम बनता है। मेरे अभी उसके पापा को थोड़ा कम पसंद आता है, हालांकि ये वाला सब्ज़ी बहुत अच्छा बना था। इसके बाद इसमें सॉस भी डलेगा, तभी नहीं डलेगा। पहले मसाला को थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद डालेंगे। अभी तो इसमें मलाई डालना बाकी है, पहले तो काजू जो पिसा हुआ है वो डालेंगे। और नमक है, पहले सफ़ेद नमक मैंने डाला था, अब काला नमक ऊपर से और डाल रहे हैं। सफ़ेद नमक भी मैंने ज़्यादा करके डाला था इसलिए काला नमक कम करके डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी में थोड़ा सा अंदाज कम रहता है, तो अगर कम रहेगा तो और ऊपर से डाल देंगे, ज़्यादा हो जाएगा फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए अंदाज से थोड़ा बहुत मैंने नमक और डाल दिया है। उसके बाद काजू का जो पेस्ट है वो भी मैंने तैयार कर लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर जो पिसा हुआ है वो भी डाल दिया है। अब इसमें काजू का जो पेस्ट बना हुआ है वो डाल देंगे, क्योंकि लगभग सब्ज़ी को पकते हुए हो गया 5-7 मिनट, तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ने के बाद ही डालते हैं, हल्का पक जाएगा तब। यहाँ देखिए तेल छोड़ दिया, उसके बाद इसमें काजू का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा पहले भाभी ने डाल दिया था, उसके बाद मैंने वीडियो चालू किया है। धो के जो डालते हैं उसमें मैंने आपको दिखाया, पहले काजू का पेस्ट डाल दिया था, क्या बीच बीच में वीडियो बंद करना पड़ता है, लगातार चालू रखो तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। काजू का पेस्ट डालने के बाद अब तुरंत मलाई डाल रहे हैं, आधा टिफिन मलाई का है तो वो पूरा डाल दूंगी। पहले ही मैंने इसको निकाल के बाहर रख लिया था फ्रिज से, तो ये नॉर्मल हो चुका है। अब मलाई को डाल के मसाला के साथ थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें सॉस डालेंगे। क्योंकि 15 मिनट हो गया लगभग इसको पकते हुए, सॉस डालने के बाद इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद दूध डाल देंगे। अब छींटा मारना भी कम हो गया है, दूध डालेंगे थोड़ा छींटा और मारेगा, मलाई डालते समय छींटा मारता है, अब कम हुआ है, दूध डालेंगे तो थोड़ा सा और मारेगा, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे इसमें, दूध डलेगा, हल्का फुल्का पानी डल जाए दूसरा चीज़ है, ज़्यादातर इसमें दूध ही डलता है। क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया, भाभी बहुत बार यही वाला सब्ज़ी बनाती है। यहाँ देखिए कलर पूरा चेंज हो गया है सब्ज़ी को भूनते भूनते में, अब इसमें दूध डाल गया है। दूध डालने के बाद थोड़ी सी देर और पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसमें पनीर और मटर डाल देंगे। मटर पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ता, क्योंकि मटर भी बॉईल किया हुआ है, पनीर को भी गर्म पानी में थोड़ी देर रखा हुआ था, पनीर को वैसे भी ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, यही 5 मिनट के लिए रखेंगे तो हो जाएगा। यही सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम लगा था, अब पुलाव और बनाना, पुलाव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। भाभी का ही रेसिपी है, आपके साथ एक बार और शेयर कर दूँगी, भाभी जब बना रही है मैं तो बहुत बार आपके साथ शेयर करती हूँ। आज दोनों रेसिपी मैंने भाभी का ही शेयर किया है, मटर भी डाल दिया है, अब इसमें ऊपर से छौंक और लगेगा। अब बाहर में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनका तैयारी पूरा हो चुका है, वो अपना मस्ती कर रहे हैं, वो अब बच्चों को केक का इंतज़ार है। केक मैंने अभी निकाला नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके पापा लेके आए हैं तो दुकान में मैंने रखवा दिया है, यहाँ नहीं मंगवाया है, यहाँ मंगवाने के बाद फिर बर्बाद कर देते हैं केक को। ये छौंक के लिए घी निकाला है, मैं कोशिश करी इसके नीचे हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी करती हूँ, पर इसमें सब्ज़ी ज़्यादा था इसलिए मैंने नहीं किया, छोड़ दिया है। गैस पे चूल्हा भी कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला दे दिया देखने में अच्छा लगे, उसके बाद छौंक लगाएंगे। सब्जी हो गया है, अब ऊपर से छौंक लगा देंगे, घी ले लिया, घी को गर्म कर लिया, इसके बाद में इसमें मिर्च पाउडर जो होता है लाल वाला वो डाल दिया थोड़ा सा, उसके बाद छौंक लगा रहे, हल्का सा मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता फिर बच्चों को दिक्कत हो जाता है। इसके बाद तुरंत कुकर चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें पुलाव बनेगा, पुलाव बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार छौंक लगा देंगे उसके बाद सीटी लगेगा, इतना देर में हम लोग का केक कटिंग हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं किया है, हम घर घर के ही हैं तो उतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है, बच्चों ने सब तैयारी कर दिया, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, खाना बनाने में भाभी ने पूरा मेरा हेल्प करवा दिया, हेल्प किया, ज़्यादातर भाभी ने ही बनाया ही है। घी डाल दिया, घी डालने के बाद में इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा का हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद इसमें डाल देंगे काजू, काजू को घी के साथ थोड़ी देर भून लेंगे हल्का सा 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें चावल डाल देंगे। तेज़पत्ता नहीं डाला, तेज़पत्ता भी काजू डालने के बाद डालेंगे, आगे पीछे हो जाता है, ज़्यादा काम रहता है, हड़बड़ी में ऐसे होता है, हालांकि बाद में भी डालो तो हो जाएगा, क्योंकि पुलाव में सीटी लगेगा तो तेज़पत्ता का स्मेल इसमें हो जाएगा, काजू के साथ भी ये पक जाएगा, काजू को भी 1 मिनट के लिए इसमें भूनते हैं। उसके बाद चावल धो के मैंने रख लिया था, अंदाज से मैंने चावल डाला, अंदाज से इसमें हम पानी भी डालेंगे,
हालांकि वैसे हो जाता, आदत बन जाता है बनाते बनाते में। ज़्यादा पुलाव मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे पुलाव कम खाएंगे, यही नान और सब्ज़ी ज़्यादा खाएंगे, इसलिए पुलाव मैंने कम बनाया है, सब्ज़ी ज़्यादा बनाया है। सब्ज़ी को देखते हुए पुलाव बहुत कम है, पर एक कुकर हो जाएगा। ये बड़ा वाला कुकर है, छोटा वाला कुकर है जो रोज़ यूज़ करती हूँ, उसमें मैंने नहीं बनाया है। वो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, इसका यूज़ बहुत कम होता है। जैसे ज़्यादा खाना बनाना होता तभी इसका यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ। अब इसमें हल्का सा चीनी और हल्का सा नमक डाल दिया है, गर्म मसाला है वो बाद में पूरा पुलाव बन जाएगा उसके बाद ऊपर से डाल देंगे। चीनी नमक पहले डाल दिया है, किशमिश भी डाल दिया है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता, बहुत कम मसाला में ये बनता है। चावल को थोड़ी देर भून लिया, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी अंदाज से डाला है, वैसे जैसे एक कटोरी चावल हो तो हल्का सा ज़्यादा पानी डालते हैं, तो इसलिए मैंने अंदाज से डाल दिया था। हालांकि पूरा परफेक्ट हुआ वो तो बाद में, चावल बनने के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगी। देखने में लग रहा था कम है पर कुकर में पानी डालने के बाद खूब सारा हो गया है। इसके बाद हम हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने आवाज़ को साइलेंट कर दिया। आप ऐसे ही देखें, एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे तो। Oh,
देखते हैं दोनों में से कौन पहले को के देखो चावल कोई नहीं लिया तुम चावल थोड़ा सा दे चावल दे तुमको लास्ट में रसगुल्ला लेना है ठीक है चावल लीजिए उसको उसको बोलना बोलिए लास्ट में लेंगे ना मैं खा के देखो बाबू नंदे किसका था जमुआ नंदे किसका था जमुआ फोन दे तुमको दादा से पूछो देना कि नहीं पापा फोन लेगा पुराने वालों फोन का कीड़ा इधर देखो तो फोन का कीड़ा है ना खाना नहीं खाया ना देखना मम्मी को फोन